हेलो फ्रेंड्स, सरकारी नौकरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं सरकारी नौकरी। अली बता सकते हैं। सो दोस्तों, हम यहां बात कर रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम 2012 का जो क्वेश्चन पेपर बीएड के लिए आया हुआ था, वो भी इंग्लिश में, उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, ये सेकेंड पार्ट है खंड खा के लिए, सेक्शन टू। यानी फर्स्ट पार्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 तक जनरल इंग्लिश के लिए वो बता चुके हैं। तो अब यह दूसरा पार्ट है जिसमें हम आगे क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं उसी के लिए। तो देख रहे होंगे आप लोग कि एंट्रेंस टेस्ट फॉर बीएड प्रोग्राम 2012 लिखा हुआ है, और जिन लोगों ने अभी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो मैंने नीचे लिंक दे दी है, वहाँ से जा करके देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक पहले ही कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। दोस्तों, इसके बीच में कॉरिजेंडम आया, इंस्ट्रक्शन आए, फिर इंग्लिश का पैराग्राफ आया, उसके बाद उसके क्वेश्चंस आए, फिर हम पार्ट ए पे आए जिसमें सेक्शन सेकंड है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। इसमें डायरेक्शन सबसे पहले दिया हुआ है, डायरेक्शंस का मतलब निर्देश है। सो इन द फॉलोइंग क्वेश्चन यू आर गिवन अ सीरीज विद वन टर्म मिसिंग, सेलेक्ट द मिसिंग टर्म फॉर द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो दोस्तों, इसमें कुछ दिया हुआ है जिसमें एक टर्म मिस है, उसको हमें ढूंढना है कौन सा है। सो क्वेश्चन नंबर 11 में 1, x, 5, t, 9, p, 13। सो 1, x, 5, t, 9, p, 13। तो चार चार का गैप आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं, और xtp। सो यहाँ पे क्या होगा ये फाइंड करना है, जो कि 15। अब जनरल बात है कि अल्फ़ाबेट ही होगा, नंबर नहीं होगा जिस हिसाब से लिखा हुआ है। तो 15 और 17 तो होना नहीं, एल या जे में से क्या होगा। अब इन दोनों में आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग, बाकी मैं कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूँ, सॉल्यूशन आप ही लोगों को निकालना है, मैं सिर्फ क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ यहाँ पे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में 8, 15, 29, 57, बीच में सभी में कॉमा लगा हुआ है, गैप इसमें 7 का है, फिर 14 का है, फिर ऐसे ही गैप थोड़ा चेंज होता गया। तो नेक्स्ट कौन सा होगा ये वाला आप लोगों को बताना है। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं 99, 101, 103 एंड 113। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में 2, 4, 16, 65,536 एंड यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं 64, 96, 256, 4096। एक्चुअली ये 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर एंड देन उसका स्क्वायर है। अब इसमें सॉल्यूशन आप बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, जो नहीं समझ रहे हो अभी समझ जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 AE-OU, ऑप्शन है IFHL। बेसिकली ये वॉवल्स हैं, जो लोगों ने तैयारी की है वो तो सिर्फ ए ई देख कर ही समझ गए हैं, और नहीं समझो तो कोई बात ही नहीं है। चलिए अच्छा, इसमें मैं बता दे रहा हूँ, आई होगा, ए ई आई ओ यू, यही वॉवल्स होते हैं। वॉवल्स का मतलब जो जैसे हिंदी में पाई होती है, वैसे इंग्लिश में जो पाई की जगह यूज़ किए जाते हैं उन्हें वॉवल्स कहते हैं। अब कुछ नहीं भी हैं, जैसे वाई वगैरह भी यूज़ किया जाता है पाई में, लेकिन अभी इसमें नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं गॉड नोज, मुझे क्या पता। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, 0200, 1202, 2204, 3309 एंड डैश। सो नीचे ऑप्शंस दिए हैं 3412, 4416, 5305, 4406। अब इसमें से कौन सा होगा क्लियर, ये आप लोगों को बताना है। 01234, एक्चुअली चाहे सेकंड हो या फिर फोर्थ हो, इन्हीं दोनों में से कोई होना चाहिए। एक्चुअली ये भी क्लियर हो गया है, लेकिन आप ही लोग मेहनत करो ज़्यादा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है सम लीडर्स आर डिसऑनेस्ट, सत्य प्रकाश इज ऑल्सो अ लीडर, बेस्ड ऑन दीज स्टेटमेंट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस कैन बी डेफिनेटली करेक्ट। सो सत्य प्रकाश इज ऑनेस्ट, सत्य प्रकाश इज डिसऑनेस्ट, सम लीडर्स आर ऑनेस्ट, लीडर्स आर मोस्टली डिसऑनेस्ट। इसमें से कौन सा सही होगा, करेक्ट होगा, ये आप लोगों को बताना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। इफ ट्यूजडे फॉल्स ऑन द 4th ऑफ द मंथ, देन द डे दैट डॉन्स 3 डेज आफ्टर 24th विल बी
थर्सडे, वेंसडे, ट्यूसडे एंड सैटरडे। करेक्ट आंसर आप लोगों को निकालना है। फिर क्वेश्चन नंबर 18-22 के लिए डायरेक्शंस अगेन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 18-22 देयर आर ग्रुप्स ऑफ फोर लेटर्स इन सम ऑर्डर, वन ऑफ देम डज नॉट फॉलो द सेम ऑर्डर, आइडेंटिफाई द सेम। मीन्स सारे ऑर्डर में है और एक जो है वो ऑर्डर में नहीं होगा, तो उसी को निकालना है। क्वेश्चन नंबर 18, IKMO, सेकेंड QSUW, थर्ड YSEE, फोर्थ GITO। अब इसमें से कौन सा डिफरेंट कर रहा है ये आप लोगों को पता करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 में भी सेम है, फर्स्ट WXDC, सेकेंड PQKJ, थर्ड TVGF, फोर्थ NOML। क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट है PQRS, सेकेंड है LMOP, थर्ड है DEFG एंड फोर्थ है YZAB। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 21 है ALBK, सेकेंड है LOMN, थर्ड है EVFU एंड फोर्थ है GTHR। बेसिकली कौन से मैच नहीं कर रहे हैं यही हमें पता करके उसमें निकाल के लिख देना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 22 इसका लास्ट है, वो भी देख लीजिए, EUHS, AYCW सेकेंड है, थर्ड है CWEU एंड फोर्थ है DVFT। अब 5 क्वेश्चन इसके मिल गए हैं जिसमें 4 की सेम रहेगी एंड देन 5th जो रहेगा, कहने का मतलब ये कि जो रूल्स अप्लाई हुए हैं वो 3 पे अप्लाई हुए हैं, 4th पे नहीं अप्लाई हैं, वो कौन सा चौथा है उसे निकालना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए कि नेक्स्ट पार्ट जो है वो 23 से स्टार्ट होगा जो कि पार्ट 3rd होगा। तो चलिए उसके लिए नई वीडियो करते हैं एंड जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और पूरी प्लेलिस्ट देखने के लिए नीचे लिंक दी हुई है, प्लेलिस्ट में देखेंगे तो पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे पार्ट लाइन से मिलते चले जाएंगे, तो उन लोगों को देखने में दिक्कत नहीं होगी। और YouTube Go नहीं यूज़ कर रहे हैं तो YouTube Go से ये वीडियो डाउनलोड कर लीजिए पूरी की पूरी, जिससे आप लोगों को बार बार देखने में समस्या ना हो और डेटा ना खर्च हो फालतू का, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करने में आसानी हो जाए। तो YouTube Go का यूज़ कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।